चरण कमलां दा जाप अते नाम दे जाप दी सदरसता। चरण कमल जप सागर तरिया भवजल उतरे पारा। नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा। सूही महला पंजवां छंत। चरण कमल हिरदे मैं जाप नानक पेख जीवै परताप। गौड़ी महला पंजवां। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल भुंच तू सब चूकै सोग संताप। रहाओ श्री राग महला पंजवां। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। श्री राग महला पंजवां। चरण कमल जन का आधारो आठ पहर राम नाम वपारो। माज महला पंजवां। चरण कमल ठाकुर उरधार दुलभ दे नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवां। हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश। उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी। रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवै परमानंदा। गौड़ी महला पंजवां। चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता। गौड़ी महला पंजवां। चरण कमल स्यों लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवै चीत। सदा सदा सिमरों प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवां। सिमरत स्वामी किल विख नासे सुख सहज आनंद निवासे। राम जना को राम भरोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेशा। रहाओ कर कृपा प्रभ बंधन छोट चरण कमल की दीनी ओट। गौड़ी महला पंजवां। राम रसायन जो जन गीदे चरण कमल प्रेम भक्ति बीदे। रहाओ आन रसादी सै सब छार नाम बिना निह फल संसार। गौड़ी महला पंजवां। इस प्रकार दे अनेकां गुरवाह खन जो नाम सिमरन अते चरण कमल परसन दे भाव नू समसर भेव अभेव जनाउंदे हन। सिमरन दी अथा कमाई द्वारा जोत पर ज्वलत होया नाम। भगत रहा स्वाओ सेती स्वास स्वास अराध्या। पारस चरण कमलां दे आराधन रूपी पारस परसाओ दा अर्थ रखदा है। अते इस बिद नाम रसायणी जोत कला द्वारा रतन जोतन ने चरण कमलां दा मंतन अंदर वसना अंतरगति दर्शना दी नदर नाल निहाल कर दिंदा है। यथा गुरवाक चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। गौड़ी थित्ती महला पंजवां। भाव प्रीतम वाहेगुरु दे चरण कमलां दा मन तन अंदर वुठना चरण कमलां वाले प्रीतम दा निकटवर्ती दर्शन झलकाओ है। प्रथम तो प्रथम रिद अंतर प्रकाश हुई जोत किरण दा प्रकाश चरण कमलां दा प्रतख दर्शन है। इथे पारस रूपी नाम दा सिमरन होर वधेरे रस जोत कला विच स्वास स्वास विलोवीदा है। ज्यों ज्यों विलोवीदा है त्यों त्यों अंतर भोई जोत किरण दा जोत पसारा भी
ਹੋਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਜੋਤ ਪਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਹਾਂ ਸਫੁੱਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਖੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਨਭ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੋਤ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਜੋਤ ਅਭਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜੋਤ ਜਗਮਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਪੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਤ ਜਗਨੇ ਸਵਰਨੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੀ ਵੰਨੀ ਚੜੇ ਚੜਾਓ ਹੋਣ ਕਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਜੋਤ ਜਮਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਜਲਾਲ ਜਲਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋਤ ਜਲਵਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਜਮਾਲ ਤੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪੇਖ ਪੇਖ ਭਗਤ ਜਨ ਜੁਹਾਰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਨਮਸਕਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵਤਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹਾਰੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸਮੋਹੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਨਦਰ ਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸਾਰਖਾ ਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਇਆ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਰਹਾਉ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਗਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਹਾਂ ਭੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਹਾਰਾ ਭਗਤ ਜਨ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਿਸ ਆਤਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਰਿਦ ਭੀਤਰ ਸਮਾਵਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਦ ਸਮਾਏ ਜੋਤ ਕਿਰਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਾਧਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਕੇ ਧੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਟ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਧ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਾਪ ਜਪਣ ਵਿੱਚ
होर भी तत्पर हो जांदा है। अते दिन रात इस गुरु गुरु दी टेर वाले वाहे गुरु नाम नू जपी जांदा है। जिस दे जपी जान करके उस जपन हारे दे सारे मनोरथ भी सुते सिद्ध पूरे हो जांदे हन। परम मनोरथ ता नाम जपन हारे दा गुरु प्रीतम दी प्राप्ति रूप सिद्धि दा हुंदा है। पर इस परम प्रयोजनी सिमरन दे प्रताप करके नाम सिमरन हारे दे सुते सहज संकल्प मनोरथ भी पूरे हो जांदे हन। इना मनोरथां दे पूरे होण कर उसनू तत शांति ता प्राप्त नहीं हुंदी, ओ ता दर्शन प्राप्ति पर ही प्राप्त होवेगी। जदों दर्शन प्राप्ति दा सुभाग समा आउंदा है ओदों बस ओदों ही दर्शन देख शीतल मन भये, जन्म जन्म के किल बिख गए। गौड़ी मल्ला पंजवां वाला प्रतख वर्तारा वर्त जांदा है। ए सिमरन रूप चरण कमलां दे ध्यान दी महत्ता है, जैसा के अगला गुरवाक भी प्रोड़ता करदा है। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्ब सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कौ नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। गौड़ी महला पंजवां भाव नाम दी पारस तत् सिमरन कला कर, अते चरण कमलां दे ध्यान प्रताप तो सारे रोग कटे जांदे हन। अते सर्ब सुखां सिर सुख भी सारे भोगे जांदे हन। सारे सुखां दा श्रोमणी सुख तां ए आण उदे हुंदा है के सद नवतन नित बालड़े, जोबन ज्वाल स्वरूप वाला मनमोहन जानियड़ा प्रीतम वाहे गुरु। सर्ब कला संपूर्णी पूरनता विच पूरन पुरख होके सनमुख दर्शन जलवा फरोज आण हुंदा है। अते प्रेमी भगत जन दे अंतर बाहर रखवाला होके चोजी केल रचामदा है। सो भगत जनानू ए सिमरन रूपी पद प्रकाशत होया है। एही भगत जना दा सरबंस धन माल सब कुछ एही है, जो धुर दरगाह तो भगत जनानू मिलया है। जिस दे समसर सदर्स या जिस तो अफजल वद के होर कोई पद पदवी भी नहीं हो सकती। नाम सिमरन रूपी चरण कमल आराधन दी अमित महिमा है। देखो अगले गुरवाक रूपी दुतकी की दस दी है। गर्भ कुंड नरक ते रख है, भवजल पार उतारे। चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे। गौड़ी पूर्वी महला पंजवां अर्थात नाम सिमरन दे प्रताप कर चरण कमला नू मन विखे आराधन दा ए पारस शकत सिट्टा निकलदा है के नाम सिमरन हारे नू चरण कमल आराधन हारे नू ए सिमरन आराधन कला गर्भ कुंड 84 दे गेड़ विच नहीं पैण दिंदी, अते नरकां विच गोता नहीं खान दिंदी, सगों भवजलों पार उतार दिंदी है। अते जम दी सारी त्रास निवार दिंदी है।